देश में चुनाव की चर्चा होते ही ईवीएम का जिन भी बोतल से बाहर निकल आता है। चुनाव आयोग हर बार ईवीएम के फुल प्रूफ होने की दुहाई देता है, जबकि चुनाव हारने वाली पार्टी ईवीएम पर दोष मढ़ देती है। कभी कहा जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके नतीजे बदल दिए गए, तो कभी कहा जाता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ करके किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को लाभ पहुंचाया गया है। चुनाव हारने वाली राजनीतिक दल ईवीएम पर ठीकरा फोड़ ही देते हैं। एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। मसलन ये कि सुप्रीम कोर्ट ने गड़बड़ी के चलते ईवीएम पर बैन लगा दिया है। इस तरह के तमाम भ्रामक दावे सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है ऐसे भ्रामक दावों पर यकीन ना करें। चुनाव आयोग ने मिथ वर्सेस रियलिटी नाम से एक सेगमेंट भी शुरू किया है, जिसमें ऐसे तमाम दावों की पोल खोली गई है जो ये कहते हैं कि देश के सर्वोच्च अदालत ने ईवीएम पर बैन लगा दिया है। चुनाव आयोग का ये सेगमेंट स्क्रीन पर दिए गए डोमेन पर उपलब्ध है। बहरहाल इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ दावों के बारे में बताएंगे, साथ ही हम जानेंगे कि इनके पीछे की हकीकत क्या है। साल 1982 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। परूर विधानसभा सीट के 50 पोलिंग बूथों पर ईवीएम के जरिए वोटिंग कराई गई। हालांकि तब इस मशीन के इस्तेमाल को लेकर कोई कानून नहीं था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को सिरे से खारिज कर दिया और चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। इसके बाद साल 1989 में संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया और चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल को कानून के दायरे में ला दिया। हालांकि चुनाव में ईवीएम की एंट्री इतनी आसान नहीं रही, इसके लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। ईवीएम के इस्तेमाल का अधिकार हासिल होने के बाद 1992 में विधि और न्याय मंत्रालय ने कानून के संशोधन की अधिसूचना जारी की थी। इसके 6 साल बाद यानी 1998 में ईवीएम के उपयोग को लेकर आम सहमति बन पाई। इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर ईवीएम के जरिए चुनाव कराए गए। साल 2001 में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की सभी सीटों पर ईवीएम से ही चुनाव कराए गए थे। साल 2001 के बाद देश के सभी लोकसभा, विधानसभा और उपचुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब तक 4 लोकसभा और 110 से ज्यादा बार विधानसभा चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा चुका है। साल 2001 से ही ईवीएम के खिलाफ संभावित गड़बड़ी का अंदेशा जताते हुए देश की कई अदालतों में यह मुद्दा उठाया जा चुका है। देश की कई शीर्ष एजेंसियों के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम की तकनीकी सुरक्षा, प्रशासनिक सुरक्षा, ईवीएम के उपयोग, विश्वसनीयता और मजबूती से जुड़े कई पहलुओं पर समय समय पर कई केसों में जांच कराई है। साल 2001 में मद्रास हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान ये माना था कि ईवीएम को हैक करना या फिर गड़बड़ी करना संभव ही नहीं है। इसके बावजूद सत्ता से बाहर होने वाले राजनीतिक दल ईवीएम पर सवाल खड़े करते आए हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए। वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम के जरिए चुनावों में धांधली के आरोप लगाए थे। साल 2010 में बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गए थे। ईवीएम पर उठ रहे सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट मशीन के इस्तेमाल निर्देश दिए। ये चलन अभी भी जारी है। कई राजनीतिक दल और उनके नेता ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि देश के कई अदालतों ने ईवीएम को भरोसेमंद माना है। ईवीएम के पक्ष में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए कुछ फैसलों को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन अपीलों को खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ताओं के ऊपर जुर्माना लगाते हुए इन याचिकाओं को मात्र एक पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। आपको बता दें कि ईवीएम से चुनाव कराने पर किसी भी अदालत ने किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है। अब ईवीएम के जरिए चुनाव कराने के नफा और नुकसान भी समझते हैं। ईवीएम के जरिए चुनाव कराना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। कम चरणों में देश भर में मतदान कराया जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया काफी सरल हो गई है। बैलेट पेपर में इस्तेमाल होने वाले कागज का इस्तेमाल भी खत्म हो गया है। बैलेट पेपर को ले जाने वाले भारी भरकम बक्सों का खर्च भी खत्म हो गया है। इनकी ढुलाई और स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचने में लगने वाला वक्त और पैसों की बर्बादी नहीं हो रही है और बैलेट पेपर के मुकाबले ईवीएम से वोटों की गिनती भी काफी आसान और तेज हो गई है। पहले के मुकाबले कम मतदान कर्मियों की जरूरत पड़ती है। ईवीएम के आने के बाद बूथ कैप्चरिंग पर काफी हद तक लगाम लगाई जा चुकी है। ईवीएम को लाना ले जाना काफी आसान है। एक कर्मचारी पूरी यूनिट को आसानी से ले जा सकता है और एक स्ट्रॉन्ग रूम में हजारों ईवीएम को रखा जा सकता है। बात करें नतीजों की तो ईवीएम से काउंटिंग प्रक्रिया भी काफी आसान हुई है। नतीजे पहले के
मुकाबले काफी तेज और सटीक आते हैं। लेकिन बात करें नुकसान की तो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले वो लोग जिन्हें ईवीएम के जरिए वोट डालने का अनुभव नहीं है, वो गलत प्रत्याशी को वोट डाल देते हैं। कभी कभी तो वो पहले प्रत्याशी या फिर कभी सबसे नीचे नोटा का ऑप्शन चुन लेते हैं। कई प्रत्याशी होने पर अपना पसंदीदा प्रत्याशी ढूंढने में भी कई मतदाताओं को मुश्किल होती है। लेकिन ये सारी बातें बैलेट पेपर पर भी लागू होती है। बैलेट पेपर पर मुहर लगाने के बाद उसे मोड़ने में कई बार स्याही दूसरे प्रत्याशी के सामने भी लग जाती थी, जिससे वो बैलेट पेपर ही रद्द कर दिया जाता था। ईवीएम में ऐसी गुंजाइश खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसमें किसी न किसी प्रत्याशी को वोट तो जरूर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में देश भर के 10.5 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथों पर ईवीएम के जरिए वोटिंग कराई जाएगी। इसके लिए 50 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीनों की जरूरत पड़ेगी। वोटिंग की प्रक्रिया 7 चरणों में पूरी होगी। पिछली बार की तरह इस बार भी ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। 4 जून को नतीजे आएंगे, तब देखना दिलचस्प होगा कि हारने वाली पार्टी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है या फिर नहीं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टीवी डिजिटल पर।